नमस्कार, मेरा नाम हुआ मनीष कुमार सिंह और अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे और आपकी YouTube चैनल रोशन भारत। जी हाँ, लगातार विगत महीनों से मैं आप लोगों के लिए हायाघाट करेह नदी का बाढ़ अपडेट लेके आप लोगों के सामने अपने चैनल के माध्यम से हर एक सुबह और संध्या अपडेट देते आ रहे हैं। जी हाँ, आज का जो अपडेट है मैं आप देख सकते हैं कि करेह नदी का जो जलस्तर है वो अब काफ़ी कम हो चुका है। जलस्तर में कमी आने से, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब लोग हायाघाट दरभंगा मुख्य मार्ग जो है वो अब चालू हो चुका है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि रोड में जो कि कोई भी प्रशासनिक या यहाँ के स्थानीय विधायक और इससे कोई ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन लोग जो वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करते थे बहेरी होके या फिर हाया जटमल को दरभंगा जाने जाते थे, जो काफ़ी लंबी दूरी का सामना करना पड़ता था, इसलिए अब लोगों ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपने जान को जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये क्षतिग्रस्त सड़क है, फिर भी लोग अपनी दूरी को कम करने के लिए इस रोड का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ पे आपको दो पहिया, तीन पहिया टेम्पो और चार पहिया पिकअप और स्कॉर्पियो पार होता हुआ देखा गया है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही पुल है, ये वही मंडप और उसके समानांतर बने हुए नए पुल हैं, जहाँ पे लोगों को जाने से डर लगता था, पानी इतना भयावह था, जहाँ पे मुंडा पुल पता भी नहीं चलता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी कम होने से स्थानीय लोग अब मछली मारने का भी कार्य करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो भी फसल है, क्षतिग्रस्त फसल आपके सामने मैं दिखा पा रहा हूँ, ये पूरे के पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ था। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी का जो जलस्तर है काफ़ी कम हो गया है, इस वजह से अब लोग फिर से हायाघाट दरभंगा मुख्य मार्ग जो कि होडलपट्टी होते हुए लहरियासराय दरभंगा जाता है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि इस वर्ष जो बाढ़ का पानी कहर ढा रहा था, जिसे ये बांध अपने ऊपर लेकर के लाखों जिंदगियां बचा रही थी। जी हाँ, बांध में लगातार बहुत कटौती हुई, देख सकते हैं आप, ये करेह नदी का जो जलस्तर है काफ़ी कम हो गया है। अब लोगों का जनजीवन सामान्य होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग अब चालन और परिचालन को तेज कर दिए हैं। यहाँ के स्थानीय प्रशासन का कोई प्रबंध नहीं किया गया है, लोग अपने मन से बिना ये जाने कि रास्ता में ज़्यादा कटाव है या कम, लोग पार कर रहे हैं ताकि ये दूरी इन्हें हायाघाट दरभंगा जाने में कम दूरी का सामना करना पड़े। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से टेम्पो भी अब दरभंगा के लिए चलने लगा है। अब तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन